शिव महापुराण की कथा कहती है आकर्षण से शिव नहीं मिलते, शिव मिलते हैं तुम्हारे समर्पण से। शिव मिलते हैं तुम्हारे समर्पण भाव से। रावण के पास में सोने की लंका है, रावण के पास में सोने का मुकुट है, रावण के पास में धन है, रावण के पास में संपदा है, रावण के पास में सत्ता है, रावण के पास में वैभव है। रावण ने सारे ग्रहों को अपने अनुकूल कर रखा था, रावण ने सारी सत्ता को अपने अनुकूल करके रखा था, पर जब रावण कैलाश पर भगवान शंकर का भजन करने के लिए जाता था, जब रावण, आप अपनी पूरी रामचरितमानस को उठा कर देखिए, रावण के पूरे चरित्र को उठा कर देखिए, रावण संहिता को उठा कर देखिए, आपको मिलेगा रावण जब शंकर भगवान की पूजन करने बैठता था तो मुकुट उतार देता था, जेवर उतार देता था, आभूषण उतार देता था, केवल कंधे पर यज्ञोपवीत जो एक ब्राह्मण की निशानी है, कंधे पर यज्ञोपवीत, मस्तक पर त्रिपुंड, द्वादश तिलक रावण और गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर भगवान शंकर के मंदिर में बैठकर शिव की आराधना करता था।